मिल्क यानी कि कच्चा दूध जो होता है, ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और एक बढ़िया वाला ग्लो हमारे चेहरे पर लेकर आता है। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि मार्केट में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन सभी में एज अ इंग्रेडिएंट मिल्क का यूज होता है, क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन उन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होते हैं केमिकल, प्रिजर्वेटिव, इसीलिए मिल्क की गुडनेस कम हो जाती है। और जब हम कच्चे दूध यानी कि रो मिल्क को डायरेक्टली नेचुरली ही अपने चेहरे पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल रो यूज कर सकते हैं, तो फिर केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स खरीद कर इसे क्यों यूज करें? डायरेक्टली ही रो मिल्क को अपने चेहरे पे आपको यूज करना चाहिए। जब हम रो मिल्क को डायरेक्टली ही अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे और बेनिफिट हमें ज्यादा मिलते हैं। कच्चे दूध जैसे ब्यूटी इंग्रेडिएंट को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कच्चे दूध से अपने घर पे ही फेशियल करें। कच्चे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड हमारे स्किन पे जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको खींच कर निकालता है, बहुत ही डीपली हमारी स्किन को क्लियर करता है। इसीलिए मिल्क फेशियल करने से आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। ये फेशियल आप डेली भी कर सकते हो, ऑल स्किन टाइप वाले कर सकते हो, कोई भी जेंडर के आप हो वो यूज कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, कोई भी एज वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही चीजें इस कच्चे दूध के फेशियल में नेचुरल रहने वाली है, जो हर किसी को सूट करेगी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी, बस फायदा और फायदा ही देगी। इस फेशियल को आप डेली यूज कर सकते हो, जबकि अगर आप मार्केट में से कोई फेशियल किट खरीदते हो या फिर सलून्स में जाकर पार्लर में जाकर फेशियल करवाते हो तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार करवा सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल फेशियल है जो कच्चे दूध से हम करने वाले हैं, ये आप डेली भी कर सकते हो। अगर आप बाहर ज्यादा जाते हो, आपके चेहरे पे डलनेस ज्यादा आती है, तो आप ये इंस्टेंट मिल्क फेशियल कर सकते हो। या फिर अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कोई स्पेशल ओकेजन में जाना है, शादी पार्टी में जाना है, तब भी आप फटाफट से ये वाला मिल्क फेशियल कर सकते हो। तुरंत ही आपके चेहरे को हाइड्रेशन देगा, आपके चेहरे पे चमक लेकर आएगा, एक इंस्टेंट स्किन व्हाइटनिंग आपकी होगी, आपकी जितनी भी मेजर स्किन प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि इंस्टेंट मिल्क फेशियल आप अपने घर पे किस तरीके से कर सकते हो। ये फेशियल रहने वाला है टोटल 4 स्टेप का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो भी नेचुरल स्किन केयर वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो वीडियोस आप तक पहुँच पाए और उसका फायदा उठाकर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओ। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। सो फ्रेंड्स, हमारे मिल्क फेशियल का फर्स्ट जो स्टेप रहने वाला है वो है इंस्टेंट मिल्क क्लींजिंग। हम करने वाले हैं मिल्क से क्लींजर रेडी। ये जो क्लींजर है ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करेगा। आपके चेहरे पे जितने भी क्लॉक्ड पोर्स है उस क्लॉक्ड पोर्स में से इम्प्योरिटीज को खींच कर निकालेगा, आपके पोर्स को बहुत ही डीपली क्लीन करेगा, साथ ही आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा मुलायम बनाएगा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि आमतौर पे मार्केट में जो क्लींजर मिलते हैं उससे जब आप क्लींजिंग करते हो तो वो आपकी स्किन में से नेचुरल ऑयल्स को भी खींच लेते हैं इम्प्योरिटीज के साथ साथ, जबकि रो मिल्क जो होता है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। इम्प्योरिटीज को तो बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा लेकिन आपके स्किन के नेचुरल ऑयल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि और भी ज्यादा हाइड्रेशन आपकी स्किन को देगा। जबकि मार्केट वाले जो क्लींजर होते हैं उससे जब आप क्लींजिंग करते हो तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई सी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ इस क्लींजर से नहीं होने वाली है। और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो क्लींजर होता है वो होता है मिल्क क्लींजर, क्योंकि ये आपकी स्किन को प्रॉपरली नरिशमेंट भी देता है। तो ये मिल्क क्लींजर रेडी करने के लिए हमें बस दो ही इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट है रो मिल्क, जो के है हमारा आज का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट। तो आपको थोड़ा सा रो मिल्क ले लेना है। इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट आप मिलाने वाले हो उसके मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। आप पहले तो मिला सकते हो टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का रस,
अगर आपको इंस्टेंटली अपनी स्किन पे ब्राइटनेस चाहिए, व्हाइटनेस चाहिए, आपको टैनिंग हो गई है वो रिमूव करना चाहते हो, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करना चाहते हो, तो आपको कच्चे दूध के अंदर टमाटर का रस मिला लेना है आधे चम्मच जितना। अगर आपको टमाटर का रस सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पर आधे चम्मच जितना हनी यानी कि शहद भी मिला सकते हो। दोनों में से आपको जो भी सूटेबल हो वो आप मिला लीजिए। हनी भी आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्टन करता है। अब दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस इंस्टेंट मिल्क क्लींजर को अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लीजिए। 3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इसके बाद 1 मिनट तक इसे ऐसे ही अपने चेहरे पर रहने दीजिए और फिर नॉर्मल सादे पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन प्रॉपरली डीपली क्लीन हो जाएगी, प्लस बहुत ही बढ़िया वाला हाइड्रेशन आएगा। अगर आप अपनी स्किन को टच करके देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड अपनी स्किन महसूस होगी। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब कर लेते हैं स्टेप नंबर 2, जिसमें हम रेडी करने वाले हैं मिल्क एक्सफोलिएटर, यानी कि हम मिल्क से स्क्रब रेडी करने वाले हैं। इसके लिए आपको टोटल 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। पहले आपको ले लेना है 2 चम्मच जितना कच्चा दूध। इसके अंदर आपको आधे चम्मच जितना राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा मिला लेना है। अब इसके अंदर आपको आधे चम्मच जितना ग्लिसरीन मिलाना है। चावल का आटा जो होता है ये आपकी इंस्टेंट स्किन व्हाइटनिंग करता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपके चेहरे पर लेकर आता है, प्लस ये बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्किन पे से सारी रॉ स्किन को हटा देते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे जितने भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं वो प्रॉपरली रिमूव हो जाते हैं। अब इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इससे आपको अपने पूरे फेस और नेक पे हल्के हाथों से 2 मिनट तक मसाज करनी है। 2 मिनट बाद नॉर्मल सादे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हम कच्चे दूध से तीसरा स्टेप करने वाले हैं, जिसमें हम रेडी करने वाले हैं मिल्क फेस ब्राइटनिंग मास्क, जिसे रेडी करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो आपको 1 चम्मच जितना आटा ले लेना है, व्हीट फ्लोर लेना है। 1 चम्मच व्हीट फ्लोर ले लीजिए। इसके अंदर आपको कच्चा दूध मिला लेना है। स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का मास्क रेडी हो उस हिसाब से कच्चा दूध आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। एक क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का मास्क रेडी होना चाहिए। दोनों चीजों को प्रॉपरली अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लीजिए। इसे आपको 15 मिनट तक अच्छे से ड्राई होने देना है, अच्छे से सूखने देना है। इसके बाद आपको नॉर्मल सादे पानी से अपना चेहरा धो लेना है। जब आप चेहरा अपना धोते हो तब आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस मास्क को निकालना है, प्रॉपरली क्लीन करना है। इस तरीके से आपको अपना फेस वॉश करना है। आप सोचते हो कि क्लींजिंग और स्क्रबिंग करने के बाद तो आपके चेहरे पे इतना बढ़िया वाला ग्लो आ गया है, अब आपको आगे मास्क लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फेसियल का जो ग्लो आपको चाहिए वो तो आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी मास्क वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपने क्लींजिंग करी, स्क्रबिंग करी, तो आपके चेहरे पे जितने पोर्स है वो ओपन अप हो जाते हैं, जिसके अंदर थोड़ी देर में पॉलिश एंड इम्प्योरिटीज, जब इम्प्योरिटीज आपके पोर्स के अंदर फंस जाती है तो वापस से आपके चेहरे पे डलनेस आ जाती है, कालापन आ जाता है, जो आप नहीं चाहते हो। इसीलिए आपके चेहरे पे जो ब्राइटनेस और ग्लो आया है वो बरकरार रहे, वैसे के वैसा ही रहे लॉन्ग टाइम तक, इसीलिए मास्क वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, मिनिमाइज करेगा और आपके चेहरे पे ग्लो को लॉक करेगा। सो फ्रेंड्स, अब हमारे इंस्टेंट मिल्क फेसियल का 4th और फाइनल स्टेप कर लेते हैं, जिसमें हम रेडी करने वाले हैं मिल्क से फेस ग्लो सीरम। इसके लिए आपको 1 चम्मच जितना कच्चा दूध ले लेना है। इसके अंदर आधे चम्मच जितना ही कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल मिला लेना है। कोकोनट ऑयल की जगह पे आप कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हो, विटामिन ई का ऑयल यूज कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, जो भी ऑयल आप यूज करना चाहे उसकी आधे चम्मच मिला लीजिए। चीजों को अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। ये हमारा फेस ग्लोइंग मिल्क सीरम बनके रेडी हो चुका है। अब इसे अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लीजिए और फिर इसे ऐसे ही 15 मिनट तक रहने दीजिए। इसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए।
अब आपका इंस्टेंट मिल्क फेसियल डन हो चुका है। इस मिल्क फेसियल में हमने सारी ही नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस मिल्क फेसियल को करने के बाद आपके चेहरे पे इतनी बढ़िया वाली चमक आएगी, इतना बढ़िया वाला निखार आएगा, आपका चेहरा खिला खिला सा दिखेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम तक। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि जल्दी से डलनेस आपके चेहरे पे आ जाएगी, लॉन्ग टाइम तक आपका चेहरा ऐसे ही चमकदार और निखरा हुआ रहेगा। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं, तो कोई भी यूज कर सकता है इसको। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारे स्किन पे से सारी इम्प्योरिटीज को डीपली क्लीन करता है। इसीलिए कच्चे दूध से जब आप फेसियल करते हो तो आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। इस मिल्क फेसियल में मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं, जितनी भी रेमेडी बताई है, इनमें से अगर कोई एक स्टेप भी आप कर लोगे डेली तो आपके चेहरे पे इतनी बढ़िया वाली चमक और निखार आएगा कि आपको फुल फेसियल करने की तो जरूरत ही महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप ये पूरा फेसियल कर लेते हो तो क्या कमाल के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, ये आप खुद ही ये वाला मिल्क फेसियल करके देखना, आपकी स्किन टोन, स्किन टेक्सचर कितनी ज्यादा इम्प्रूव होती है। तो जरूर से इस मिल्क फेसियल को ट्राई कीजिए। ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, कोई भी जेंडर वाला यूज कर सकते हैं, फीमेल मेल कोई भी यूज कर सकता है, तो जरूर से ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।